तो ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस ऑल ब्लैक कलर E20 अपडेट के साथ आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है E20 वाला मॉडल। इसका ऑनरोड प्राइस, माइलेज, फीचर, सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर आप फ्रंट पर देखेंगे तो यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस का सिल्वर कलर की बैजिंग आपको मिलेगी स्टिकर, और फ्रंट का जो लुक है वो पूरा ऑल ब्लैक का, इसलिए हम कलर का रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा सक्सेस कलर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रंट पर 3508 हैलोजन सिंगल पायलट और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हेडलाइट आपको मिल जाती है, क्योंकि पहले जो हेडलाइट थी वो हीरो में थोड़ा सा स्लो थी। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है वो भी बल्ब के साथ, और इसका जो ग्लास है दोस्तों ये येलो कलर का, ये चीज़ जो है लगभग 20 साल से स्प्लेंडर आ रही, ज़्यादा सही तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद था। जब से ये व्हाइट क्लास में हो गई थी लोगों को काफ़ी कम पसंद आ रहा था, लेकिन वो आपको स्टेक में मिलेगा, ये आपको मिलेगा येलो पे। तो पूरा लुक आप फ्रंट से देख सकते हैं, ये रहा इसका मडगार्ड, और जो कि आपको पूरा ऑल ब्लैक का, और रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको मिलेगा। 130mm का ड्रम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 8018 का ट्यूबलेस टायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस बाइक में आपको कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है कि अगर ये बाइक पंचर भी हो जाए तो आप आराम से सिंगल पैदल चढ़ सकते हैं, सिंगल आप चढ़ के चढ़ सकते हैं सॉरी। तो ये 130mm का ड्रम ब्रेक कम्बी, यानी आगे लगाएंगे पीछे भी आपका लग जाएगा। ये रहा इसका लेग गार्ड जो कि कंपनी फिटेड आता है, और इस साइड से आप लुक भी देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे भाई, सबसे फाइनेंस प्राइस भी आपको हम बता देंगे। स्प्लेंडर प्लस का E20 वाला मॉडल है, 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, पूरी ऑल ब्लैक कलर की टैंकी, और यहाँ पर हीरो का लोगो मिलेगा। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्टर आई थ्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर हाई लो बीम टर्न सिग्नल हॉर्न आपको मिलेगा, हैंडल बार आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये रहा इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी, फ्यूल टैंक बताने वाला, यानी कि इसमें कितना पेट्रोल है यहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ पर ये रिजर्वेशन पोजिशन है रिजर्व का, और यहाँ पर आपका फ्यूल फुल का रहेगा, हीरो का लोगो, एफआई लाइट, पासिंग, न्यूट्रल इसमें आपका आएगा, इसमें आपको आई थ्रेस और सारे स्टैंड का सेंसर मिलेगा। यहाँ पर आपका स्पीड बताएगा टॉप स्पीड, भाई स्प्लेंडर प्लस की टॉप स्पीड 140 है, बट आप इसको जो भगाएंगे तो 100 तक आराम से जा सकती है। यहाँ पर इग्निशन है, ये आपका राइट का इंडिकेटर, ये लेफ्ट का इंडिकेटर का पोजीशन है। ये रहा इसका चाबी, और ये रहा मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम, यानी उसे भी चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है। तो इस तरह से आप पूरा गाड़ी देख सकते हैं। तो ये रहा इसका फ्यूल टैंक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो पावर स्टार्ट इंजन E5 प्रोग्रामेड E20 अपडेट, और 97.2cc सिंगल सिलेंडर USC एयर कूल इंजन है, 8000 rpm पावर है, 5500 टार्क है, चार गियर है, चारों पीछे लगेंगे, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है, यानी इसके सेंसर जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आपको इंजन जो मिल जाता है वो दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन पर, यानी कार्बोरेटर वाला सिस्टम हट गया है, चार गियर मिलेंगे, चारों पीछे लगेंगे, ठीक है। माइलेज की बात करें तो 60 से 65 का माइलेज आराम से निकालेगी, हाईवे पर आपको 70 तक दे सकती है, सिटी में आपको 60 का माइलेज या 55 का मान के चलो आराम से निकालेगी। पावर स्टार्ट, E5 प्रोग्रामर की बैजिंग, साइड पर देखेंगे तो स्प्लेंडर प्लस i3 की बैजिंग, पूरा फुल आपका ब्लैक कलर का रहेगा, पूरा फुल आपको चैन कवर मिलता है वो भी लोहे का, फ्लेक्सिबल आपको फुटेज मिल जाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी आपको ये फ्लेक्सिबल फुटेज मिलेंगे। ये रहा इसका स्विंग आर्म, और यहाँ पर आपको भाई भी दिखाते हैं उस साइड पे, तो लोहे का चेन पर ये रहा 5 बार एडजस्ट करने वाला सस्पेंशन, वो भी हाइड्रोलिक साकर। यहाँ पर आपको मिलता है सारी गार्ड, पीछे का जो पैनल है वो इस तरह से आपका पूरा ऑल ब्लैक ही रहेगा। सीट आपको काफ़ी अच्छी अब आपको मिलेगी पहले वाली से, 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये रहा इसका कैरियर जो कि काफ़ी बढ़िया है भाई, कैरियर स्प्लेंडर का, इस पर कोई भी चीज़ रख के आप बांध सकते हैं। ये रहा इसका इंडिकेटर जो कि आपको येलो ग्लास पे रहेगा, दोनों इंडिकेटर आप पीछे से देख सकते हैं। और ये रहा इसका तेल लाइट जो कि बल्ब वाला रहेगा, और ये रेड कलर के पहले ही आता था, इस तक आज तक कंपनी ने इसको चेंज भी इसलिए नहीं किया दोस्तों, तो शायद ही काफ़ी अच्छी तेल लाइट है। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो वाइट है, तो जो कि नंबर प्लेट पर यहाँ से लाइट आ सकती है। तो 30/6/2023 का सबसे नया मॉडल है, रिफ्लेक्टर है, पीछे का फेंडर जो इस तरह से रहेगा। और इस साइड से अगर आप गाड़ी देखेंगे भाई तो यहाँ पर भी आपको सेम साकर, पीछे का जो पैनल है साइड का यहाँ पर इस तरह से रहेगा, और 8018 का ट्यूबलेस टायर, पीछे भी ISI प्रमाणित अलॉय व्हील आपको मिलती है, 130mm का ड्रम ब्रेक, और यहाँ पर आप देखते हैं ब्रेक एडजस्टर भी दिया गया है, फ्लेक्सिबल फुटेज दोनों रहेंगे। इस साइड पर भी आपको स्प्लेंडर प्लस और i3S की बैजिंग, पूरी ऑल ब्लैक की जो स्प्लेंडर है ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़बरदस्त मॉडल है दोस्तों, क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर इसका टूल किट का बॉक्स है, इसके अंदर रखा हुआ है पावर स्टार्ट, यहाँ पर चाबी लेकर खोल सकते हैं, FI प्रोग्राम से किक स्टार्टर आपको मिलेगा, और ब्रेक लीवर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखे दिया गया है ताकि पैर आपके इसमें ना लगे, हीट ना हो, जले ना। तो साइलेंसर का भी मफलर नहीं बना है, साइलेंसर इसका, पूरा लुक आप इस गाड़ी का दे सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल चार्जिंग वाली ये स्प्लेंडर है, नए फीचर वाली है, E20 वाली है, ऑल ब्लैक कलर। तो वीडियो आपको पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आपको हम बता देते हैं इसका प्राइस, इसकी प्राइस 89,000 है, यानी 89,000 ऑन रोड प्राइस। वीडियो आपको पसंद आए तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।